हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है तुम्हारा मॉडल एग्जाम भी है जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पर आधारित है। इसमें वो ऐसे क्वेश्चंस को हम पूछ रहे हैं, दे रहे हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आए हैं या आएंगे। ऐसे एग्जामिनेशन क्वेश्चनों का यहाँ चर्चा हो रही है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। एग्जामिनेशन में बार बार पूछ चुका है, Do this work। ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन में। तुम्हारे एग्जामिनेशन में ऑप्शन होंगे मी कैन सेल उड। तो एक क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें क्या आंसर होना चाहिए। He does not do this work। इसका आंसर क्या होगा? Can। इसका आंसर क्या होना चाहिए? Can। किसी भी योग्यता या क्षमता को बताने के लिए किसे हम प्रयोग करते हैं? Can का। तो इसका आंसर He can do this work। ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, मॉडल एग्जाम में। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए Can। इसमें क्या होना चाहिए? Can। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कई बार पूछा हुआ है। डॉट डॉट You live long। फिर यहां ऑप्शन में है can, shall, should, may। डॉट डॉट यू लिव लॉन्ग बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, बार बार पूछता है। तो इसमें देखिए यहां आपका क्या होना चाहिए? डॉट डॉट यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी हो, तुम दीर्घ आयु हो, या ऐसे ठेठी में हम बोलते हैं कि बहुत दिन तक जियो। तो ये शुभकामना या मनोकामना है। तो शुभकामना या मनोकामना को बताते हैं तब क्या करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। साथ ही यहाँ क्या होना चाहिए था? मे। यहाँ होना चाहिए था मे। यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। एग्जामिनेशन में क्या होगा? मे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। डॉट डॉट गॉड ब्लेस यू बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैन मी शुड सेल क्या होना चाहिए? मे। यहां भी मनोकामना या शुभकामना है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा मनोकामना या शुभकामना के लिए हम क्या करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी। यहाँ आ जाएगा मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लिस्ट यू डू नॉट फेल। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इस बात की चर्चा हम बहुत बार किए हैं पढ़ाने के दौरान, ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शंस हैं कैन मे शुड वुड। ध्यान दीजिए इसको, यहाँ क्या होना चाहिए? डॉट डॉट वर्क हार्ड लेस्ट यू डॉट फेल। कैन मे शुड वुड क्या होना चाहिए? वुड होगा। ध्यान से, शुड वुड बताते हैं। कंजंक्शन लिस्ट के बाद आने वाला मॉडल एक जाली इकलौता है जो शुड है। ये आपको हम कई बार बताए हुए हैं, कई बार पढ़ाए हुए हैं। तो कंजंक्शन लिस्ट के बाद आने वाला मॉडल एक जाली क्या होना चाहिए? सूट। ये हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूट। कड़ी मेहनत करो ताकि तू फेल ना हो पाए या ना हो जाए। तो लिस्ट के बाद सूट आता है, लिस्ट के बाद क्या आता है? सूट आता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। You like to take a cup of tea
ध्यान देंगे आपके ऑप्शन में है कैन शुड वुड बिल क्या होना चाहिए बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बताते विनम्रता अधिक विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने के लिए उड का प्रयोग किया जाता है और लाइक टू का प्रयोग उड के साथ ही किया जाता है जब उड के साथ लाइक टू का प्रयोग करते हैं तो और ज्यादा विनम्रता पूर्वक प्रश्न का भाव व्यक्त होता है या इच्छा का भाव व्यक्त होता है तो यहाँ उड लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे आपके ऑप्शन उड होंगे क्या होंगे उड अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे बहुत बार यह पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ है आई सेड दैट He dot dot play there. ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में है बिल बी में है सेल सी में है सुड और डी में है उड उड बहुत बार पूछा हुआ यह क्वेश्चन है और पूर्ण रूप से तर्कपूर्ण क्वेश्चन है I said that he did not play there. इसके क्या ऑप्शन होंगे अब बताइए सब लोग ध्यान दीजिए हम आपको पढ़ाए थे कि I said that he के साथ तो यानी फ्यूचर में जाते तो बिल लगाते हैं यहाँ देखिए तो बिल ही के साथ बिल लगता है तो बिल का पास्ट क्या हम बताए थे कि जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो बिल का पास्ट वुड होता हो जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा आई सेड दैट ही बिल तो नहीं हो सकता है क्योंकि फ्यूचर में है सेल भी नहीं हो सकता है फिर सूट की बात तो है नहीं सेल आता तो सूट करते तो बच गया बिल तो बिल का पास्ट क्या होता है वुड तो यहाँ क्या होना चाहिए वुड He said that, I said that he would play there. Yeah. कोई दिक्कत? No sir. बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सर. Next चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे. It dot 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 rain today. बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. It dot 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 rain today. आपके ऑप्शंस है कैन मे गुड सूट आना चाहिए मे होने का वजह क्या है किसी भी कार्य के पॉसिबिलिटी को बताते हैं किसी भी कार्य को पॉसिबिलिटी को बताते हैं संभावना को बताते हैं तो आप मे का प्रयोग करते हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है तो यहाँ इट विल रेन टुडे आज वर्षा हो सकती है तो क्या देंगे मे क्या देंगे मे इट विल रेन टुडे चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देंगे याद रखो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सारे रूल को हम चर्चा करते जा रहे हैं यहाँ है वी डोंट नॉट ऑबे आवर पेरेंट्स We do not obey our parents. Option number A में sell, suit, out to, must. इसमें क्या होना चाहिए ध्यान देंगे must. हाँ संभावना बनता है suit का out to का must का लेकिन इन दोनों sell का तो संभावना है अब हुआ suit out to must तो किसी भी अपने कर्तव्य या कार्य को नैतिक कर्तव्य को अगर जोरदार पूर्वक बताना होता है तो सब में शुड आउट टू और मस्ट तीनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गली जो प्रयोग करते हैं वो क्या होता है मस्ट तो क्या होना चाहिए मस्ट वी मस्ट ऑबे आवर पेरेंट्स यहाँ क्या होना चाहिए मस्ट 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 हाँ एग्जामिनेशन में अगर मस्ट नहीं है एग्जामिनेशन में मस्ट नहीं है
तो अगर ये दोनों पर देखेंगे कि ये क्या होता है, अगर अकेला सिंगल सुड है तो वहां कोई लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए में है बिल कैन मे और सुट, ध्यान देंगे यहाँ क्या होना चाहिए, यू डू नॉट हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, यह नैतिकता या प्रॉपर्टी औचित्य बताता है, कर्तव्य को बताता है, तो इसमें आउट टू और मस्ट तो ऑप्शन नहीं है, तो उस वैसे परिस्थिति में हम ऑप्शन के अनुसार टारगेट करते हैं क्वेश्चन का, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी यहाँ हो जाना चाहिए, शुड You should help your friend. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। I do not not leave you. ऑप्शन नंबर ए में shall, ऑप्शन नंबर बी में will, सी में should और डी में could. क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिए, आई डोंट नॉट लिव यू, हम बताते हैं आपको सेल और विल के प्रयोग, जब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है तो धमकी, प्रोमिस और डिटर्मिनेशन, कमांड का प्रयोग होता है, यहाँ तो धमकी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो ये धमकी हो गया, तो धमकी के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ आई या वी के साथ हम सेल की विल तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप बार बार देखेंगे, कोशिश करेंगे खुद से इसको लगाने का, और इसके पीछे छुपे हुए जो क्या कहते हैं जो रूल्स वगैरह है उस रूल्स को ध्यान करने का, रिपीट करने का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको कवर कर लोगे और इसका रेस्ट पार्ट हम कल बताएंगे और इसके साथ साथ कल हम वॉयस की भी चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ हम कल वॉयस की भी चर्चा करेंगे, इसको भी हम लोग देख के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम कल मिलते हैं।